जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं प्रकाश के परिवर्तन क्लास 10। प्रकाश के परिवर्तन आप सभी को बता चुके थे, प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी बता दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। जो प्रतिबिंब इमेज, फोटो इमेज, इमेज क्या होता है? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जैसे कोई वस्तु है उसको दर्पण मतलब शीशा के सामने रखिए, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाता है। तो देखिएगा कि दर्पण में, जिसे आप दर्पण के सामने होते तो आपको आकृति बन जाता है। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसकी आकृति बन जाता है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, और जो दर्पण में आपको जो फोटो इमेज जो बनता है आकृति, उसी आकृति को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आराम से समझिए। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु का आकृति दर्पण में बन जाता है, और दर्पण और उसी दर्पण में बने गई आकृति को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि प्रतिबिंब का प्रकार कितना होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। आभासी को हम काल्पनिक भी कहते हैं। तब हमें यह जानना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलता है उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखना है हमें यहाँ कि ये कोई बिंदु है, ये मान लीजिए हम दर्पण, ये दर्पण हो गया, अब यहां से प्रकाश की किरण जा रहा, प्रकाश की किरण यहाँ जा रहा, यहाँ बिंदु हो गया। कह रहा है जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, यहाँ से बिंदु प्रकाश की किरण यहाँ गया दर्पण से परावर्तन के बाद, ये दर्पण ही दर्पण पर ही प्रकाश की किरण पड़ा, और यहाँ से परावर्तन के बाद, परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश को लौटने को परावर्तन कहते थे। यहाँ तो दर्पण पर पड़ा, दर्पण पर पड़ के यहाँ लौट गया, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ बिंदु है, इस बिंदु पर मिल गया, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे आराम से समझिए, इसे लिखना नहीं है, रटना नहीं, हमें समझना समझना है कि एक समतल दर्पण है और इधर से प्रकाश की किरणें जा रहे हैं, और जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, यहाँ दर्पण पर पड़ा, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ लौट गया, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, और जबकि आभासी को नहीं किया जाता है। अब हमें यह जानना है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी होता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, सिर्फ हल्का सा अलग है, किसी बिंदु स्रोत से
आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के, ये दर्पण है, आपको दर्पण हो गया, आई किसी बिंदु स्रोत से जा रहा है प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, माने परावर्तन यहाँ लौट रहा, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, माने वास्तव में नहीं मिल रहा, जिस बिंदु पर लग रहा है कि हाँ इस बिंदु पर आ रहा है, उसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें हाँ वास्तव में मिलता है, तो इसको दूसरा डिफिनेशन भी हो सकता कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, वास्तव में जिस बिंदु पर नहीं मिलता और हमें मिलता है, तो इसमें नहीं मिलता, उसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसी को साथ जय हिंद।